सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम मॉडल ड्राइंग में फ्लावर पॉट फूलदान बनाना सीखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बेस लाइन लेनी है इस तरह से हम यहाँ ले लेते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसमें हमने एक सेंटर लाइन ले लेते हैं इस तरह से, उसी के उससे हमने एक लाइन लेनी है लेफ्ट साइड यहाँ से, इतनी दूरी पे हमने लेनी है लाइन राइट साइड को, ये हमने बिल्कुल सीधी लाइनें लेनी है इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें बीच में भी एक लाइन लगा देते हैं यहाँ पे इस तरह से, और एक लाइन हम यहाँ इसमें लगा देते हैं बीच में इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसमें हमने गोलाई देनी है, हमारा जो हाथ है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, और हमने यहाँ पे एक सर्कल टाइप में जो है ना वो ड्रॉ कर देना है इस तरह से, हल्का हल्का सा। ये जो हमारा यहाँ सर्कल बन रहा है इसी की शेप को हमने जो आगे बढ़ा देना इस तरह से, इसी तरह से एक हम और पॉट बनाते हैं और आपने देखना है उसको हम कैसे बनाएंगे।
इस तरह से आपने हल्के हाथों से फ्लावर पॉट बनाने की कोशिश करनी है। सिर्फ आप लाइन ड्रॉ करें, शेप्स पे बन जाए, कोशिश करें कि ये आकार आपके सीधे बने और हल्के हाथों से आपने कार्य को करना है। बाद में हम इसमें शेडिंग कर सकते हैं, आप कलर की भी कर सकते हैं और पेंसिल की शेडिंग भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगता है। हमें शेडिंग पे उतना ध्यान ना दे करके पहले आपको ये बनाने आने चाहिए, तो इस तरह से आपने इनको बनाना है। वो वस्तुएं बनानी आनी चाहिए, शेडिंग तो बात की बात।